हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपर फास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए हैं। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना निगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती किया गया था। आपको बता दें कि इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से हो गया था। पत्नी की मौत हो जाने के बाद मिल्खा सिंह पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि वे खुद भी आईसीयू में भर्ती थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्र के नेताओं को बुलाया गया है। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के करीब दो साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से यह पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने पुष्टि की है कि 24 जून को होने वाली मीटिंग के लिए उनके पास फोन आया था। उन्होंने कहा कि मैंने मीटिंग में जाने का अभी फैसला नहीं किया है, मैं अपनी पार्टी के सदस्यों से चर्चा करके आखिरी फैसला लूंगी। वहीं सीपीएम नेता और पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता MY तारीगामी ने बताया कि उनके पास अभी तक दिल्ली से कोई फोन नहीं आया है, लेकिन अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए COVID-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। इस शुभारंभ के साथ 26 राज्यों के 11 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। सीएम ने बताया कि बैठक में पर्यावरण से संबंधित हरियाणा राज्य के विभिन्न विषयों के संदर्भ में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में अब कोयला और अन्य परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की जगह पर CNG, PNG और LPG का उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिला क्षेत्रों में अभी तक CNG, PNG और LPG आपूर्ति पाइपलाइन पहुंच नहीं सकी है। हालांकि कंपनियों के पाइपलाइन के कार्य प्रगति पर है। सीएम मनोहर लाल ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की। प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रकाश जावड़ेकर ने नई इंडस्ट्री को लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा की कुछ इंडस्ट्री NCR के नए नियमों की वजह से नहीं चल रही है, तो हमने नियमों में छूट मांगी, जो बात केंद्र ने मान ली है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शुगर मिल में अपना ईंधन इस्तेमाल करने की छूट मांगी है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। केंद्र 500 करोड़ की फंडिंग देगा। इसके अलावा गजेंद्र शेखावत से SYL पर पंजाब और हरियाणा की बैठक को लेकर चर्चा हुई।
वहीं फरीदाबाद के कोरीगांव में मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरीगांव में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए गांव को खाली कराएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोगों के पुनर्वास पर चर्चा चल रही है, जो अवैध रूप से बेच रहे थे उन पर कार्रवाई होगी। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के प्रयास रंग ला रहे हैं। सिरसा जिले में अब जल भराव नहीं होगा, सिरसावासियों को जल भराव से निजात मिलेगी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी मिल चुकी है, योजना के लिए 28 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। नगर परिषद के अध्यक्ष रीना सेठी इसकी जानकारी दी। रीना सेठी ने योजना के लिए सीएम मनोहर लाल और विधायक गोपाल कांडा का आभार जताया। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेताओं के सरकार को घेरने पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। विज ने कहा कि हमें कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमने जनता को वो बताया जो काम हमने किए हैं, हमारे काम को जनता भी देख रही है। वहीं किसान आंदोलन पर विज ने कहा कि किसानों और उनके नेताओं को तय करना है कि उन्हें क्या करना है, सरकार ने कई दौर की बैठक करके उन्हें कई रास्ते बता दिए हैं। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर हो रही है कम, 24 घंटे में 209 नए मरीजों की हुई पहचान, एक दिन में 36 लोगों ने गंवाई जान, एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर हुई 2940। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 5 स्थित बस स्टैंड परिसर में जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यप्रणाली को और बेहतर करने के लिए जरूर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोडिंग वाहनों के खिलाफ विशेष तौर पर कार्रवाई की जाए, जिससे ओवरलोडिंग को रोका जा सके। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्हें गांव वासियों की तरफ से शिकायतें मिल रही है कि ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से वहां की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला परिवहन अधिकारी से पंचकुला में वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की लागत को और कम करने की सलाह भी दी। अंबाला पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला का सरकार पर निशाना। अभय ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, साथ ही अभय ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। तो वहीं अभय चौटाला ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अभय ने कहा कि सीएम की टीम के लोग भ्रष्ट हैं, मौजूदा सरकार को उन्होंने घोटाले की सरकार बताया। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से लगातार छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इस बार तो हालात ये बन गए हैं कि बिना एग्जाम के ही 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को पास किया जा रहा है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से 12वीं क्लास के लिए जो रिजल्ट का फॉर्मूला निकाला गया है, उससे स्कूल संचालक ही नहीं बल्कि छात्र भी निराश हैं। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने 43 पुलिसकर्मियों के तबादले किए, तबादलों के आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए। प्रदेश में किसानों द्वारा बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रम का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आदित्य कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक में सिरसा जिला प्रभारी को विशेष रूप से पहुंचना था। बैठक की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान एकता से संबंधित किसानों ने मौके पर पहुंचकर बैठक का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। गुरुग्राम के सेक्टर 12 के निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल पर आरोप है कि 6 महीने पहले एक महिला का ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में दर्द हुआ, जब दर्द के बाद इलाज कराया गया तो खुलासा हुआ कि ऑपरेशन के वक्त डॉक्टरों ने महिला के पेट में कॉटन को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। नॉर्थ ईस्ट मामलों की एडवोकेट स्काई शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन करने के लिए पहले पैसे लिए गए, लेकिन जब डिस्चार्ज किया गया तब 85,000 का बिल थमा दिया गया।
पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई। सोनीपत के गांव कमासपुर की एक महिला ने आरोप लगाया कि 21 मई को रात के समय पुलिस वर्दी में 5 शख्स अचानक घर में घुस गए और पूरे घर की जबरन तलाशी ली। यही नहीं, वर्दीधारियों ने महिला के साथ भी बदतमीजी की। महिला का कहना है कि उसने उन लोगों को बताया था कि वो घर पर अकेली है लेकिन वर्दीधारियों ने उनकी एक न सुनी और उसके पति और बच्चों के बारे में पूछताछ करते रहे। पूछने पर बताया कि वे झज्जर से आए हैं। महिला ने महिला हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दी, साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी लेकिन 25 दिनों के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर महिला और उसके परिजनों में रोष है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर करने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने फतेहाबाद के डीसी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि आज जरूरत है कि सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए क्योंकि जब तक सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार नहीं होगा तब तक गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आज फतेहाबाद में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ नहीं है, ऐसे में गांव के दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज पहुंचना मुश्किल है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि कोरोना के तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में जो रिक्त पद पड़े हैं उन्हें भरे जाएं ताकि समय पर उनका उपयोग भी हो सके। कोरोना काल में जिन लोगों के परिजनों की मौत हुई और वे किसी कारणवश हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन नहीं कर पाए उनके लिए डाक विभाग ने पहल शुरू की है। साइबर सिटी गुरुग्राम का सदर बाजार हर तरह की दुकानों के लिए मशहूर बाजार है। यहां जिले से दूर दूर से ग्राहक आते हैं जिसके चलते यहां हमेशा भीड़ का आलम रहता है। इसी सिलसिले में अब यहां प्रशासन अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया था। लेकिन कोरोना काल के कारण प्रशासन का अभियान बीच में ही रुक गया। दुकानदारों की शिकायत है कि रास्ते छोटे होने के चलते उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ग्राहकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलाना में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए तैयारियां की जा रही है जिसको लेकर योग दिवस पर हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को योग अभ्यास किया जा रहा है। गुजरात के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना में एक योग कैंप लगाकर योग के बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार योग हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। रादौर में पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले ऐसे किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं जो या तो इनकम टैक्स पे ही हैं या फिर ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो कि 10,000 से ज्यादा पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे किसानों को भी सम्मान निधि वापस करने होंगे। फरवर पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर पैसे हड़पने के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मीसा गांव के रहने वाले उमेश कुमार की शिकायत पर की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसने अदालत में 4th क्लास की नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसे वेटिंग लिस्ट में रखा गया था और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके 26,000 रुपए हड़प लिए गए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अर्जुन टाक को दिल्ली की मंडावली से गिरफ्तार किया जिससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी विनोद कुमार को दिल्ली के ही लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी एक आरोपी फरार है जो मथुरा का रहने वाला है जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ आईएमए सिरसा ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बाधित रखी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा गया। गुलाची का एसडीएम कार्यालय के पास स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सीएमओ की तरफ से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लिस्ट जारी नहीं की गई, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार की तरफ से लिस्ट जारी करने के बाद भी अधिकारियों ने कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करवाई। साथ ही उनका कहना है कि पिछले दो महीने से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई जा रही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले 10 दिन से सरकारी अस्पताल में धरना दे रहे हैं, जिसके बाद अब इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। रोहतक को निगम ने 5 इको फ्रेंडली मिनी बस की सौगात दी है। शहर में 32 सीट वाली इको फ्रेंडली बसों का शुक्रवार से 50% क्षमता के साथ संचालन शुरू कर दिया गया। मेयर मनमोहन गोयल, नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदरा और रोडवेज अधिकारियों की मौजूदगी में इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर मेयर ने सभी शहरवासियों को बधाई दी। तो वहीं नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदरा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरवासियों के साथ साथ ग्रामीण भी 10 रुपये किराए पर इन बसों में सफर कर सकेंगे। फिलहाल अभी 5 बसों का संचालन शुरू किया गया, अगर इसके अच्छे नतीजे आते हैं तो बसों को बढ़ा दिया जाएगा। सिरसा की बेटी का ओलंपिक टीम में महिला हॉकी टीम में चयन हुआ है। अर्जुन अवार्डी सविता पुनिया का महिला हॉकी में चयन होने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। अभियान का मकसद था प्रदेश को गंदगी मुक्त करना, लेकिन अधिकारी और विभागों की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। एक ऐसी ही तस्वीर अंबाला से सामने आई है, जो सरकार के लक्ष्य के रास्ते में बड़ी समस्या है। यहां सफाई के नाम पर सिर्फ लेपापोती की जा रही है। जब हमारी टीम ने हकीकत को जानने की कोशिश की तो यहां स्वच्छ भारत की गंदी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई। यहां जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर कसार गांव के युवक के जलाए जाने के मामले को लेकर समाज के लोगों ने एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। ब्राह्मण समाज के जिला प्रधान देवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की गई है कि परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही परिवार को सुरक्षा दी जाए। गौरतलब है कि बुधवार को कसार गांव के रहने वाले एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अब सामान्य तरीके से मनाया जाएगा, इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इससे पहले सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाइन मनाने का निर्णय लिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रसारण के जरिए आम जनता तक योग पहुंचाने का कार्यक्रम था, मगर अब कोरोना की थमती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने योग दिवस को सामान्य तरीके से ही मनाने का निर्णय लिया है। डीसी महावीर कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए तैयारियां चल रही है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, इसी कड़ी में खेल मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे मंत्री संदीप सिंह के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाए। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुए विरोध को देखते हुए जिला सचिवालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। दूसरी ओर मेयर मदन चौहान को भी किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे मेयर मदन चौहान को वापस लौटना पड़ा। इधर यमुनानगर में मंडेवर रोड पर स्थित केमिकल की एक अवैध फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। इस दौरान सीएम फ्लाइंग के मौके पर भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सील किया। इसके साथ ही दो फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि
मंडेवर रोड पर एक अवैध फैक्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से केमिकल बनाया जा रहा है जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। और यहां से भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद हुआ। इसकी लोग ये प्रोडक्ट रहे थे, उन्होंने बताया कि यहां ये अवैध काम करीब 3 साल से चल रहा था। प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में राज्य नारकोटिक्स विभाग को करनाल में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 185 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस के शिकंजे में आया शख्स पंजाब के पटियाला का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को हेरोइन सप्लाई करता था। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कुरुक्षेत्र से लाई गई नशे की खेप को अलग अलग जगहों पर बेचने की फिराक में था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया है। इसके अलावा नशे के कारोबार में साथ देने वाले इसके एक साथी की तलाश की जा रही है। इधर फतेहाबाद के भटू रोड इलाके में चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ गई हैं। बीते रोज गली में घूम रही महिला के गले से 2 बाइक सवार युवक चेन छीनकर रफू चक्कर हो गए थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही 4 मरला कॉलोनी में भी चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। इधर पिरथला के गांव चंदावली में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना सदर एसएचओ ने युवक की हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके पर जांच पूरी होने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के आखिरी दिन शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि शुक्रवार को पेट्रोल में 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट में 27 से 30 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई थी। सरकारी तेल कंपनियों ने आज हफ्ते के आखिरी दिन शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। बता दें कि शुक्रवार को पेट्रोल में 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट में 27 से 30 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई। कॉमेडी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने मुनमुन के खिलाफ दायर सभी एफआईआर को स्टे कर दिया है। मुनमुन पर एक वीडियो में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि उन्होंने इस वीडियो पर माफी मांगते हुए हटा दिया था। मुनमुन के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।